शिक्षा मानव जीवन में बहुत कुछ सीखने की निरंतर धीमी और सुरक्षित प्रक्रिया है। ये हमारे जन्म के साथ शुरू होती है और हमारे जीवन के साथ खत्म भी होती है। कालांतर से ही शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता रहा। एक समुन्नत समाज और राष्ट्र का निर्माण शिक्षा से ही संभव है, और ये तभी संभव है जब शिक्षक योग्य हो। योग्यता का माने बहुत व्यापक है, इसे सिर्फ टीचिंग तक ही सीमित नहीं माना जा सकता। एक योग्य शिक्षक में शिक्षण कार्य के साथ साथ कुशल प्रबंधक, मार्गदर्शक, अनुदेशक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणविद जैसे तमाम गुण भी होने चाहिए। बदलते भारत में आज शिक्षा को लेकर गुणात्मक सुधार के साथ ग्रामीण अंचल में प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए पूरा प्रयास हो रहा है। इस प्रयास की सफलता शिक्षकों के योगदान से ही संभव है। आज शिक्षक दिवस पर ऐसे ही शिक्षक सम्मान के हकदार हैं जो शैक्षिक वातावरण बनाने में पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, जिनकी सराहना गांव के लोग करते हैं। धीरे राम। तो आपके गांव में विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय रामनगर, तो यहाँ आप कैसा, आपके कोई बच्चा आपका पढ़ता है यहाँ? हाँ। क्या नाती है? अच्छा, बच्चा है। तो ये कैसी शिक्षा यहाँ आप मिल रही है? बढ़िया पढ़ाई होती है। तो अब विद्यालय के अंदर कुछ व्यवस्था भी बन गई है अच्छी? हाँ, हाँ, जैसे क्या क्या यहाँ सुविधा है? अरे बिजली पंखा सब चीज। अच्छा, बिजली पंखा ये सारी चीजें अब यहाँ उपलब्ध हैं। और अध्यापक यहाँ के कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, पढ़ाते हैं, समय से आ जाते हैं? आप लोग देखते हैं समय से आते हैं। आज हम पहुँचे हैं शिक्षा क्षेत्र बल्दी राय के रामनगर प्राइमरी विद्यालय पर। सुसज्जित इस विद्यालय में संसाधनों पर गौर करें तो पेयजल के लिए स्वच्छ और सुंदर व्यवस्था के साथ शौच के लिए भी बेहतर व्यवस्था नज़र आई। विद्यालय के प्रत्येक कक्ष तक पहुँचने के लिए पक्के रास्ते भी नज़र आए। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर यहाँ पौधरोपण भी हुआ नज़र आया। कक्ष में साफ सफाई के साथ बोलती दीवारों पर तमाम तरह के स्लोगन और चित्र नज़र आए जो बच्चों के बौद्धिक विकास में सहायक हैं। कौन सा दिन मनाया गया बताओ तुम लोग? चलिए भाई बताओ, क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए। तो आज कौन सा डे है, क्या मनाया गया आपके यहाँ? टीचर्स डे। तो इसमें क्या किया आप लोगों ने? आप गुरुजी को मिली? गुरुजी से तो उनको क्या किया, प्रणाम किया, कुछ सम्मान किया उनको? हाँ, अच्छा। तो कैसे हैं गुरुजी आपके, उनका व्यवहार कैसा लगता है? पढ़ाते हैं अच्छी? अच्छे। समय से आते हैं विद्यालय? भोजन वगैरह भी समय से मिलता है विद्यालय में? चलिए ठीक है। व्यवस्था को बेहतर बनाने में जिन अध्यापकों का सहयोग सराहनीय है, हम उनसे भी मिले। गुरुजी आज शिक्षक दिवस है, सबसे पहले हम आपको ढेर सारी शुभकामना, और राष्ट्र का निर्माण, समाज का निर्माण आपके हाथों में है। और निश्चित रूप से अभी हम इस ग्राम पंचायत में आए तो ग्रामीणों ने भी बताया कि एक अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ शिक्षा की है, और इसमें हमारे जो अध्यापक हैं उनका सबका भी बड़ा अच्छा योगदान रहा, ये ऐसा ग्रामीणों ने कहा। तो आप, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा शुभ नाम राममूर्ति गुप्ता है जी। तो आप प्रधानाध्यापक हैं यहाँ? जी, मैं यहाँ का प्रधानाध्यापक हूँ। तो सर, हमको एक जानकारी दीजिए कि ये सब कैसे संभव हो पाया, एक अच्छी व्यवस्था आपने बनाई और निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, कैसे संभव हो पाया ये विद्यालय की जो शिक्षण व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था आपने बनाई है? सन सितंबर 2015 से जी मैं इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ। जी जी जी। विद्यालय की व्यवस्था बनाने में जी प्रधान जी जी का बहुत बड़ा सहयोग है जी जी।
ग्राम प्रधान से जितना सहयोग मिलना चाहिए उससे ज़्यादा सहयोग मिल रहा है जी जी जी, और बच्चों की गुणवत्ता जी, अनुशासन जी, इसकी व्यवस्था में हमारा पूरा स्टाफ जी पूरा सहयोग करता है जी, और उनके ही बदौलत जी आज संख्या हमारे यहाँ जी जी 2015 से जी और 2022 तक जी संख्या 100 के नीचे नहीं आई जी, हमेशा संख्या जो है 100+ ही रहती है जी। बच्चों की गुणवत्ता के बारे में हमारे स्टाफ में श्री उदय प्रताप सिंह जी 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 इनसे थोड़ा चर्चा कर लीजिए जी जी जी। तो आप यहाँ सहायक अध्यापक हैं जी, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है आपके विद्यालय की, तो कैसा क्या लगा आपको कि अभी और कुछ इसमें सुधार करना चाहेंगे आप कि अच्छी व्यवस्था बन सके? यहाँ पर बच्चों का प्रेजेंटी खूब रहती है और हमारे स्टाफ पे सामंजस्य बहुत अच्छा है, सब समय से आते हैं, समय से लेकर और छुट्टी होने तक चरणबद्ध तरीके से पढ़ाया जाता है सबको, बच्चों को जितनी अच्छी शिक्षा हम दे सकते हैं देते हैं। अभी इसमें लगभग सारी सुविधाएं पूरी हो चुकी हैं, फर्नीचर और यह सब संभव हो सका गांव के प्रधान की दृढ़ इच्छा शक्ति से, जिनका कहना है। तो क्या नाम है प्रधान जी आप? हमारा नाम है हजारीलाल साहू। हजारीलाल साहू जी, तो प्रधान जी आपके यहाँ जो प्राइमरी शिक्षा है इसके लिए आपने क्या व्यवस्था बनाई है? जी हमारे यहाँ 4 प्राइमरी विद्यालय है जी, मैं साहब हर विद्यालय पर बराबर जाता हूँ जी जी, हमारे यहाँ अध्यापक जो है बढ़िया है जी जी, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। और मैं उसमें सारा सब कुछ व्यवस्था, लाइटिंग और सारा सब कुछ हमारे यहाँ व्यवस्थित है। बराबर आप निगरानी रखते हैं? हाँ बराबर निगरानी रखते हैं साहब, और हमारा मास्टर का संबंध बढ़िया रहता है कि प्रधान जी उनके कहने पर मैं सारा सब कुछ करता रहता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया काम करता हूँ।